किन मांगों को लेकर आज हम 7 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ विश्वविद्यालय सचिवालय कुलपति सचिवालय का घेराव कराए, जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम यहाँ लागू हुआ है उसमें ना तो प्रॉपर स्टाफ है ना पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली मांग है हमारी कि जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है सुविधा पे उनको लगे जाए, क्योंकि सुविधा की जो भर्ती है अभी उसमें आने में टाइम है तो प्रॉपर क्लासेस लग सके। दूसरी मांग हमारी है कि हॉस्टल की जो 10% सीटें फीस बढ़ाई है तो उस हिसाब से जो वहाँ की फैसिलिटी है उसमें भी इंक्रीमेंट हो। तीसरी हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव जो 2 साल से नहीं हुए हैं उनका जो हर साल का 48 लाख रुपए के समथिंग जो बजट है वो यूनिवर्सिटी के छात्र हितों के लिए लगाया जाए। चौथी हमारी मांग है कि सरकार और एक किसी विशेष संगठन के कहने से जो प्रोफेसरों को शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है वो करना बंद करें। हमारी पांचवी मांग है कि विश्वविद्यालय में जो पीजी कोर्स है या मेन कैंपस में उसके 10 हॉस्टलों की जरूरत है, वो सरकार से कह के यहाँ हॉस्टल आगे की रणनीति हमारी है कि यहाँ हम कुलपति को एक बार शांति प्रिय तरीके से कह रहे हैं, फिर हम सरकार को एक चीज के लिए ज्ञापन देंगे भाई मुख्यमंत्री से मिला जाए या हायर एजुकेशन से जो मिनिस्टर है उनसे मिला जाए। अगर वो चीज पूरी नहीं होगी तब हम उग्र आंदोलन करेंगे, पूरी एनएसयूआई एकजुट होगे पूरे राजस्थान की छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव बंद कर दें या कुछ भी कर दें, हम छात्र हितों के लिए खड़े थे और हमेशा सदैव खड़े रहेंगे, एनएसयूआई छात्रों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नेता तुम्हें आज 7 सूत्री मांगों लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 7 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन था। लगातार हम छात्रों की आवाज बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। हमारी 7 सूत्री मांगे थी, इसके अंदर छात्रावासों की मूलभूत सुविधाएं जो शैक्षणिक जो पोस्ट खाली है उनको लेकर थी और छात्रावासों में जो अनियमितताएं हो रही है उन अनियमितताओं को लेकर हमारी मांगे थी और जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था को लेकर विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं हो रही है उनको लेकर हमारा प्रदर्शन था। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही मुख्य द्वार पर आम छात्रों को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया, जबरन विद्यार्थियों को पुलिस के द्वारा रोका गया और उसके तत्पश्चात भी अनुच्छेद का कार्यकर्ता मजबूती से डरा और मजबूती से प्रदर्शन करने के लिए सीवीसी सेक्रेटरिएट हाउस पहुंचे, वहां लगातार 1-1.5 घंटे तक हम वहां प्रदर्शन करते लेकिन किसी प्रकार का कोई नुमाइंदा बात करने के लिए बाहर नहीं आया। अंत में 5 लोगों का डेलीगेशन हमारा अंदर बात करने के लिए गया। कुलपति से हमने ये बात रखी कि आप हमारे से बात करने में क्यों घबरा रहे हैं, जब हम आम छात्रों की बात कर रहे हैं ना किसी छात्र का व्यक्तिगत हित है और बात कर रहे हैं उसके बावजूद आप कोई बात नहीं करना चाह रहे। अंत में हम 5 लोगों का डेलीगेशन आदरणीय सीओ साहब के नेतृत्व में गया और उसके बाद में हमने वहां वार्तालाप करी। जिस प्रकार का जो रवैया है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के अंदर फैल रहा है, उन तमाम बातों को लेकर आम छात्र की आवाज को लेकर बुलंद करने का काम किया और 7 सूत्री मांगों को लेकर हमने प्रदर्शन किया। आज 7 सूत्री मांगों को लेकर हमने कम से कम 5-6 मांगे हैं। उन्होंने कुलपति ने आश्वासन किया कि जल्द से जल्द इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर समय रहते इन मांगों का निस्तारण किया तो एनएसयूआई का कार्यकर्ता लंबवत होकर विश्वविद्यालय को घेराव करेगा, कुलपति सचिवालय का घेराव करेगा और समय रहते जिस प्रकार से आश्वासन दिया हमें उम्मीद और अपेक्षाएं हैं कुलपति से और विश्वविद्यालय प्रशासन से। जिस प्रकार से आपने हमें आज 7 सूत्री मांगों को लेकर जो आश्वासन दिया, समय रहते अगर इनके ऊपर विचार नहीं किया गया और समय रहते इनका निस्तारण नहीं किया गया तो अनिशेखा के कार्यकर्ता लामबद्ध होकर विश्वविद्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेदार रहेगा। धन्यवाद। अनिशेखा राजस्थान।